हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फसल मेनिया बेतंकुर में। आज IBPS RRB PO मेंस का एग्जाम था। काफी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। पेपर की बात करें तो बाकी तो सब ठीक था, लेकिन क्वांट ने थोड़ा सा खेल गड़बड़ किया है। काफी सारे स्टूडेंट्स के और सब्जेक्ट में तो अच्छे अटेम्प्ट हुए, ओवरऑल भी अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन क्वांट में बहुत अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स को तो क्वांट में सेक्शन कट ऑफ का भी डर लग रहा है, जिनके 10 के नीचे अटेम्प्ट हुए हैं। देखो दोस्तों, मेंस एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट अनएक्सपेक्टेड जरूर देखने को मिलता है, और ज्यादातर मेंस एग्जाम में या तो जीए या फिर क्वांट। लास्ट ईयर जीए में भी अधिकतर स्टूडेंट्स को डर लग रहा था कि कम अटेम्प्ट हुए हैं, कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी। फिर जब जीए की सेक्शनल कट ऑफ आई तो बहुत लोएस्ट कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, और यही हाल इस बार क्वांट का है। तो जिनके 10 के अंदर भी अटेम्प्ट है ना, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब जिनका क्वांट और रीजनिंग में क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा रहा है, उनके थोड़े से अच्छे अटेम्प्ट भी देखने को मिले हैं। क्योंकि देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स रीजनिंग में भी फंसे हैं, क्योंकि वहां पर एक दो पजल्स आपकी काफी लेंथी और फंसाने वाली भी देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल अधिकतर स्टूडेंट्स के रीजनिंग में बेहतर अटेम्प्ट हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो है एक्यूरेसी, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स की क्वांट और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो तीन सब्जेक्ट हैं जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा, इन तीन सब्जेक्ट में जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, उनके चांसेस थोड़े से अच्छे भी बनेंगे। अब एक ओवरऑल गुड अटेम्प्ट या फिर सेफ अटेम्प्ट की बात करें, तो जिनके भी 85+ अटेम्प्ट हैं, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रही हो और क्वांट और रीजनिंग में ठीक ठाक अटेम्प्ट रहे हो, तो उनके अच्छे चांस भी रहेंगे और ये बहुत बढ़िया अटेम्प्ट भी हैं। लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, फिर तो 150 भी कम है। अब जिन्होंने IBPS RRB PO मेंस दिया है, आप कमेंट में जरूर बताएं आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए, सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या अटेम्प्ट रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।